दोस्तों, यहाँ टाइगर 3 के बाद आने वाली सलमान की नेक्स्ट फिल्म, यहाँ जैसे कि इन दिनों सलमान खान जो कि टाइगर 3 में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे कि इसके बाद सलमान हमें दिखेंगे कभी कभी दिवाली में, अलग जैसे कि पिछले वक्त यहाँ जानने को मिल रहा था या सलमान खान की इस फिल्म का नाम चेंज हो सकता है। और जैसे कि अब यहाँ बॉलीवुड हंगामा की लेटेस्ट रिपोर्ट में यहाँ जानने को भी मिल रहा है कि इस फिल्म का नाम क्या हो सकता है, और उसमें कभी कभी दिवाली का नाम यहाँ चेंज कर रखा जा सकता है भाईजान। जैसे कि सलमान खान को सभी यहाँ भाईजान के नाम से तो पुकारती है, और वहीं दूसरी तरफ जैसे कि सलमान की फिल्म का नाम ही भाईजान रख दिया जाए तो जैसे कि ये तो एकदम परफेक्ट रहेगा ही। और वहीं जैसे कि सोर्सेस के मुताबिक बताया जा रहा है कि सलमान की इस फिल्म का नाम भाईजान एकदम परफेक्ट भी रहेगा, और जैसे कि ये फिल्म की स्टोरी से मैच भी करेगा। तो इसमें जहाँ एक तरफ पिछले वक्त कहा जा रहा था यह फिल्म का टाइटल जो कि यहाँ कुछ इश्यूज को खड़ा कर सकता है, और जैसे कि इसी कारण से मेकर्स यहाँ फिल्म के नाम को चेंज करना चाहते थे, और जैसे कि जानने को मिल रहा है कि अब इस फिल्म का नाम भाईजान रजिस्टर करवाया गया है, तो उसमें उसके यहाँ सलमान की फिल्म का नाम भाईजान रखा जाता है, तो ये काफी ज्यादा कमाल का तो रहेगा ही। और दूसरी तरफ जैसे कि सलमान या टाइगर 3 के बाद ही अपने इस फिल्म की शूटिंग को भी स्टार्ट करने वाले हैं, और खासकर जैसे कि एक सोशल कॉमेडी फिल्म है तो इसमें सलमान खान को एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म में देखना तो हमेशा ही रहता है काफी कमाल का। लेकिन जैसे कि दोस्तों, यहाँ आप सलमान खान के आने वाली इस सोशल कॉमेडी फिल्म को किस नाम से देखना चाहेंगे, कभी कभी दिवाली या फिर भाईजान? साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।